What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो guys, अभी अभी जस्ट मैं पेट्रोल डलवा के निकला ही था एंड आप लोगों ने जैसे प्रीवियस व्लॉग में देख लिया है कि क्या सीन हुआ है अपने साथ क्या नहीं, तो बस अभी के लिए यही सीन है कि भाई अपना मूड का तो पूरा हालत ख़राब हो गया है और अभी अपन चलेंगे ऑफिस। आज मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, उसका रीज़न है कि अपन ने यूनिफॉर्म सबमिट कर दिया है जिस दिन अपन ऑफिस से निकले थे उसी दिन, एंड उसके बाद से अपन ने कुछ काम के लिए था नहीं तो अपन ने यूनिफॉर्म दे दिया। तो अभी अपने चलेंगे ऑफिस एंड आज कुछ हैंडओवर देना है, आज कुछ सर्टिफिकेट लेना है, वो सारी चीज़ें करेंगे। बट लेट्स सी, आज HR अवेलेबल होंगे तो बाकी आज हैंडओवर तो पूरा का पूरा देना है स्पेसिफिक पर्सन को जो अभी अवेलेबल है ऑफिस में उनको, तो उन्हीं के लिए अपने को जाना है एंड अभी अपन चलेंगे वहाँ पे एंड देखते हैं कि आज का अपना दिन कैसा रहता है। एंड भाई साहब, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ये ऑफिस छोड़ दूंगा। मेरा प्लान था कम से कम 2.5 से 3 साल काटने का, बट चलो छोड़ो, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी अपन निकलते हैं एंड चलते हैं ऑफिस एंड सारा काम हम निपटाते हैं। बढ़िया हूँ, आप बताओ। सो दिस वॉज माई प्लेस, ये है शुभम। हाई ब्रो, पहली बार व्लॉग में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये था मेरा PC, ये था मेरा डेस्क, वो था मेरा ड्रॉवर एंड सारी फाइल्स वाइल्स हैंड ओवर दे दिया है, सब कुछ ख़त्म। अपना बैग एक इधर है और दूसरा वाला इधर है, अपना हेलमेट भी इधर रखा हुआ है और बस अभी कुछ टाइम के लिए इधर है, फिर अपने निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म करेंगे और फिर निकलेंगे इधर से। So finally right now it's 4:20 and अपना सारा काम हो चुका है इधर। सारा नहीं, दो तीन चीज़ें बची हैं वो अभी एक दो दिन बाद होगी, बट अपना सारा सामान अपन ने ले लिया इधर से। So finally अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है, अपने को एक दो बार और आना पड़ेगा ऑफिस पे। थोड़ा काम बचा हुआ है, हैंडओवर दे दिया है और देखते देखते बारिश भी चालू हो चुकी है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि आज बारिश आएगी और मैं अपना कुछ लाया भी नहीं हूँ, बट क्या करें, चलेगा। इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश नहीं चलेगी, अपने भीग जाएंगे। बट यस, थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है कि भाई साहब इतनी जल्दी ऑफिस नहीं छोड़ना चाहिए था, बट चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी मैंने दूसरी जगह पे कहीं पर भी जॉब मैंने देखी नहीं है एंड आई डोंट नो एट ऑल कि भाई साहब मैं जॉब ज्वाइन करूँगा कि भी नहीं, क्या है क्या नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, वो प्लान्स पे वर्कआउट करना है और बाकी सारी चीज़ें देखनी है। अभी का ये सीन है कि अभी अपने चलेंगे घर पे और बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। और गाइज, अभी मैं आप लोगों को मेन रीज़न बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जॉब क्यों छोड़ी है। सो बेसिकली सीन ये है कि कुछ टाइम पहले, लाइक 1 महीने पहले की बात है, कि मैंने मेरे को बोला गया था कि यू नीड टू गो इन मार्केट एंड यू नीड टू हैव डेली टू मीट 4 to 5 कंपनीज एंड गो फॉर दी मीटिंग्स एवरी डे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आई विल सी दैट बट नॉट श्योर। तो पहले तो यही सीन था, उसके बाद ये था कि मैंने वो चीज़ एक दो बार गया, फिर मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा, मेरे को नहीं हो रहा था मेरे से,
तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अभी इतना नहीं है तो चलो छोड़ो, अभी नहीं हो पाएगा। तो अभी का सीन ये है कि उसके बाद का बताता हूँ मैं, कि उसके बाद ये हुआ कि मैंने जाना छोड़ दिया मीटिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी इतनी जल्दी, एंड मैं मार्केट में न्यू था इसकी वजह से। उसके बाद मैंने आगे इन्फॉर्म किया तो बोला कि डू वन थिंग, गो विदाउट अपॉइंटमेंट एंड डू दी मीटिंग्स। मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने 2-3 दिन ऐसा किया, बट उसमें कुछ भी आउटपुट मेरे को नहीं मिला। तो मैंने फिर अपॉइंटमेंट लेना चालू कर दिया और मेरे को मिलने लगी कंपनीज़। मैं पिछले कुछ टाइम में मैं 15 से 20 कंपनीज से ज़्यादा मैं जा चुका था, और रिवर्ट में मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों की तरफ से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही थी। तो मेरे पे प्रेशर थोड़ा सा था कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी अभी। और उसके बाद मुझे एक टारगेट मिल गया कि एवरी डे एटलीस्ट आई नीड टू मीट 4 कंपनीज एंड गो इन दैट 4 कंपनीज, और मिलना मिलना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने 1 दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे से वो हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया अलग अलग कंपनीज में जाने की और सारी चीज़ें करने की, बट वो चीज़ नहीं हुई, तो मैंने छोड़ा। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, चलो अभी नहीं हो रहा है तो एक बार अपने ऑफिस में बात करके देखते हैं। तो मैंने ऑफिस में बात किया, 1-2 दिन बात चली, उसके बाद सर छुट्टी पे थे, तो सर छुट्टी मना के आया, तो उसके बाद हमारी बात हुई। तो सर ने बोला कि क्या दिक्कत है, मैंने बोला कि सर दिस इज़ द रीज़न, नथिंग एल्स। तो उन्होंने बोला कि तो फिर डू वन थिंग, ये चीज़ तो भी रहेगी ही रहेगी, इफ़ यू वॉन्टेड टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू और एल्स यू कैन लीव। मैंने बोला कि ओके नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ कि क्या सीन है अपने एंड से। मैंने 1 दिन थोड़ा टाइम सोचा एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने दे दिया रिज़ाइन। रिज़ाइन देने के बाद सर 1 दिन थे नहीं, 2 दिन नहीं थे, 3रे दिन पे सर ने बोला कि इज़ दिस योर फाइनल कॉल। मैंने बोला कि सर देखिए, अनटिल अनलेस जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे सेल्स कॉल पे जाना भी नहीं ठीक लगता। उसका रीज़न है कि भाई साहब गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, दिक्कत ज़्यादा रहती है, और फील्ड वर्क के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है और ना ही वो मेरे जॉब रोल में था। तो मैंने उनको प्यार से मना किया, वो भी समझे, उन्होंने भी बोला कि ये चीज़ अब से यहाँ पे रहेगी। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू एनी मोर। तो फिर मैंने उसके बाद जाके मैंने फाइनल कॉल दिया, मैंने फैमिली में भी बात किया, तो पापा ने बोला कि जैसा तेरे को ठीक लगे। बहन को भी मैंने बात किया तो उसने बोला कि गो अहेड, वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू। तो मैंने वो चीज़ की, उसके बाद मैंने रिज़ाइन दिया। एंड उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट पे सर ने बोला कि देखो, तुम भी 1 महीना यहाँ पे रहोगे, तुमको यहाँ पे काम ज़्यादा होगा नहीं, तो तुम्हें अगर इमीडिएट इफेक्ट पे जाना हो तो तुम इमीडिएट इफेक्ट पे भी जा सकते हो, और अगर तुमको 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व करके जाना है तो भी तुम जा सकते हो। मैंने बोला सर आई एम ओके विद बोथ। सो सर ने बोला कि डू वन थिंग, यू कैन लिव बाई फर्स्ट। मैंने बोला ठीक है, मैं फर्स्ट से छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ था, दैट वॉज ऑन मंडे एंड ट्यूजडे। उसके बाद मैंने वेनसडे को मैं गया, थोड़ा बहुत काम किया, हैंड ओवर दिया। एंड उसके बाद अभी का सीन ये था कि पूरा हैंड ओवर अपन ने दे दिया है, एंड दैट्स इट फॉर माई ऑफिस लाइफ, विच आई हैव स्पेंड लाइक 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स, 7 मंथ्स हो ही गए थे, 10 दिन बाकी थे। तो 7 मंथ्स अपन की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। और अभी का सीन ये है कि अभी अपना जाएंगे घर पे, सारा काम हम निपटाएंगे, क्योंकि घर का काम भी बाकी है, वो भी मुझे ही करना है। तो गाइज, यस दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को ट्रिल पता ही है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप सब लोगों को मिलूंगा मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत। और यस गाइज, आप लोगों के सपोर्ट से 1K हो गए हैं, तो गाइज अभी और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग मुझे हेल्प कीजिए मुझे चैनल मोनेटाइज करने के लिए। आप लोगों को मेरे को मेरे जो व्लॉग्स है पूरे पूरे देखना है, तो अपना चैनल ग्रो होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड आप सब लोगों को मिलूँगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू एवरी वन इन द नेक्स्ट व्लॉग।